जी अस्सलाम वालेकुम। मतलब जी सुबह हो गई है और यह है कि तैयारी वगैरह चल रही है टेंट की ना, तो शेर दिल भाई हमारे भी हैं। मैं तो इस तरफ जो है ना, एक तरफ लेडीज़ के लिए रख लेंगे, एक तरफ जो है वो जेंट्स के लिए। तो आइए आपको जो है डॉक्टर रूम भी दिखा देते हैं कि अच्छा ये जो है डॉक्टर साहब यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है, और एक डॉक्टर जो है वो उनको यहाँ बिठा देंगे और ये पेशेंट की तरतीब जो है वो यहीं कर लेंगे। तो अच्छा यहाँ फ्रंट पे जो है जेंट्स को बिठाएंगे और टेंट के दूसरी तरफ जो है वो लेडीज़ को बिठाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ये नेक्स्ट टाइम जो है इसको पार्क की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी इस वक्त हमारे साथ बंगेश लाला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बंगेश लाला कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। एक तो ये है कि सबसे पहले आपका इंतहाई हम मशकूर हैं कि आपने हमें ये ऑफिस दिया है एक दिन के लिए, और ये है कि मरीज़ यहाँ आ रहे हैं अपना चेकअप वगैरह करा रहे हैं। तो आपको कैसे लगा ये कैंप? बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी खुद भी तबीयत खराब है? अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए। लोग बहुत खुश हुए, लोग आ रहे हैं तो लेकिन कर दो थोड़ा सा। जी जी हम अपने अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आप ये है कि दुआओं में हमें याद रखा करें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बस ये है कि यानी आप बुजुर्गों की दुआएं रही तो इंशाल्लाह ठीक है जी। खुशी हो रही है, ठीक है जी। जजाकल्ला जजाकल्ला जी। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, और यह है कि बाहर की तरतीब कुछ ऐसी रखी है कि एक साइड पे जेंट्स की तरतीब है और एक साइड पे लेडीज़ की हैं। तो अब यह है कि ऐसी यानी बाकी पेशेंट वगैरह आते हैं तो फर्दन फर्दन उनकी ट्रीटमेंट का आगाज़ वगैरह इंशाल्लाह करते हैं। प्रोप्राइटर लिखा हुआ है ना जी, उससे ऊपर देखें कहीं पे लेआउट नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, लेआउट प्लान ऑफ अर्बन सिटी। इस आंख से पढ़े इसमें नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा।
है नजर आ रहा लेकिन धुंधला है। ये बेहतर है या ये बेहतर है? और आप वो बेहतर था, ये बेहतर है? नहीं आके बोल के देखिए। अच्छा हाँ दोनों वाले अब ये पहले वाले लगाया नहीं था है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। उसकी वजह ये है जो खिंचाव हो रहा है ना उसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ठीक है? नेक को देखा, इसको आपने ऐसे करीब किया, गर्दन को सीधा रखा, फिर आपने इसको ऐसे किया, इसको यहाँ होल्ड किया, फिर आपने इसको किया। अब आंखों में दर्द हो रहा है? जी जी। ये आपने इसको ऐसे किया, फिर आपने इसको किया। ये आपने 10 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? दिन में 2 मरतबा, ठीक है? 10-10 मिनट के, ठीक है? सुबह शाम। हाँ, जिससे हड्डी टूटती है, प्लास्टर चढ़ता है। प्लास्टर खुलने के बाद क्या होता है? ये आपकी मसल्स जो जाम हो गए हैं उसको मूव करेगा, ठीक है? ठीक है, उसको रिलैक्स करेगा, ठीक है? एक हफ्ते तक जब आप ये करेंगे तो आपका जो वो पेन है ना वो सब चीज़। वैसे ये नंबर सही है जो नंबर, उसको चेंज ना करें, उसको कंटिन्यू रखें, इससे नंबर कम होगा। अच्छा, हरी सब्जी जितनी हो सब, ठीक है? सुबह सुबह जब जो सूरज निकलता है, ठीक है, उसकी पहली किरण 5 मिनट की जो होती है, 5 मिनट सही, वो विटामिन डी असर होती है। इसके अलावा पूरा दिन जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मरीज़ों का चेकअप वगैरह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, और ये है कि डॉक्टर्स यहाँ आए और यहाँ चेकअप वगैरह किए, फर्दन फर्दन किए, मैंने अपने बताते खुद जो है अपना चेकअप वगैरह भी करवाया, और ये है कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट की जो है वो लाज रखी। तो अब ये है कि प्रोसेस ये था कि हम लोगों ने तकरीबन 100 पेशेंट का जो है वो तरतीब रखी थी, लेकिन ये 100 से ज़्यादा हो गई थी। तो अब जिन यानी मरीज़ों का ऑपरेट होगा तो उनको ये है कि हॉस्पिटल जो है वो एड्रेस वगैरह तमाम चीज़ें वगैरह समझा दिए, तो वहाँ से वो अपना ऑपरेट करेंगे। और ये है कि जिन जिनको मोतिया था, सफ़ेद मोतिया था, तो ये आज की तरतीब थी इंशाल्लाह। और कोशिश हमारी यही होगी कि अब दूसरे एरियाज़ में और इनकी जो टीम है इनके साथ मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह, जॉइंट वेंचर पे करेंगे। हमारी जो खिदमात होगी हम इंशाल्लाह हमारी बागडोर जितनी भी होगी हम अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है जी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।